Hello dear students, today we will learn chapter number 9, Ek Matra. Kya? Ek Matra. Chapter number 8 में हमने दीर्घ पढ़ा था, ठीक वैसे ही आज हम एक और मात्रा पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पेन का चित्र दिया है, बराबर, और उसके सामने पवत्ता ऐसे सिंबल दिया है. तो इसको हमें क्या बुलाना है, ए. इसको क्या बुलाएंगे हम, ए. तो उसका उच्चारण होता है पे 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 न पे न, बराबर. हमें इस सिंबल को एक मात्रा से पहचानेंगे. इसको हम उच्चारण के द्वारा क्या बोलेंगे, ए. क्या बोलेंगे, ए. ओके, अब उसके उसको ए बोलते हैं. तो ऐसे ही प वत्ता ए, इसलिए क्या बोलेंगे हम, पे. तो पे न. उसके सामने ऐसे दूसरा उदाहरण दिया है, श वत्ता ए. तो क्या बोलेंगे, शे. श वत्ता ए बराबर शे. तो शे रॉडी. तो ऐसे ही हम एक और मात्रा पढ़ेंगे और उसका उच्चारण होता है ए. ओके, तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, ए. अने एक मात्र ए. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 ए. ओके, आ गाय छे. अब छे बराबर छ वत्ता ए बराबर क्या बोलेंगे, छे. तो आ गाय छे. ते उच्चारण क्या होगा, क्योंकि त के पीछे हम एको रखते हैं, ऐसे ही न के पीछे हम एको रखेंगे. तो क्या बोलेंगे, ने. त के पीछे हम रखेंगे ए, तो बोलेंगे ते. तेने चार पग छे. तेने बे आँख छे. तेने बे आँख छे. तेने बे कान छे. तेने एक ए आया. देखा, अब यहाँ पे कोई व्यंजन नहीं, सिर्फ स्वर है और उसको क्या बोलते थे हम, ए, बराबर. तो यहाँ पे लिखा है एक पुछड़ी छे. तेने एक पुछड़ी छे. काका से. स वत्ता ए बराबर से. सेव लावे. व बराबर ए, तो वे, बराबर. तो उसका उच्चारण होगा वे. काका सेव लावे. मामा ममरा लावे. दादा दराख लावे. मने भेड़ भावे. तने सेव भावे. तो ऐसे ही ये चैप्टर में ऐसे रीड करना है और हमें इसका उच्चारण ऐसे करना है. ओके, अब लिखा है वाँचो अने बोलो. रीड एंड से. तो तेने छे बे एक. सेव लावे. मने भेड़. तो ऐसे ही हमें इसका उच्चारण ऐसे करना है कि उसको हम जो एक मात्रा दी हो तब उसका उच्चारण क्या बोलेंगे, स्वर को जोड़ के हम बोलेंगे ए, बराबर. व्यंजन तो है ही, उसके पीछे हमें स्वर को लगा के एक शब्द का उच्चारण करना है. तो तेने ऐसे, बराबर. अब है यहाँ पे शब्दार्थ ग्लोसरी. तो नेक्स्ट टाइम हम ग्लोसरी पे जाएंगे. ओके,